याद है ना, ये देखो एक बबुआ ने इतनी भयंकर गाली लिखी है किसी को, इतनी भयंकर गाली, वाह बेटा वाह बेटा, यही सीख रहे हो तुम, है ना, यही सीख रहे हो, यही सीख रहे हो, गाली दिया करो बट अपने दोस्तों के आगे, ठीक है, अपने दोस्तों के भी मैं भी गालियां देता हूं और मैं भी गालियां खाता भी हूं, पर वो दोस्तों में अच्छा लगता है जब आप गाली को मीन करके नहीं देते, ठीक है ना, वो दोस्तों का एक माहौल रहता है। मैं ये नहीं, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँ गाली देना सही होता है गलत होता है, मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊँगा, मुझे पता भी नहीं है, पर जब आप अपने लौंडे दोस्तों के साथ होते हो या फिर लड़कियां लड़कियां दोस्तों के साथ होती हैं, जब आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ होते हो गाली देते हो वहाँ पे सही लगता है और सब देते हैं गाली, ठीक है, मस्ती मारते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, कोई किसी बात को कोई सीरियस नहीं, क्योंकि गाली कोई सीरियसली देता भी नहीं है, ना वो सीरियसली दे रहा है ना तू सीरियसली दे रहा है, कभी कोई सीरियस देता तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पे पर गाली लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं चाहूँ, मैंने आज तक अपने आज तक ऑनलाइन करियर क्लास में कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करा, पर मैं चाहूँ तुरंत कॉल करके बैच मैनेजर को बोलूँ इस बंदे को ब्लॉक कर दो, क्या मतलब हुआ गाली देने का, यहाँ पे क्या करेगा तू गाली देके, क्या करेगा यहाँ पे गाली देके, और अच्छा लगता है तू ऐसी गाली दे रहा है क्यों, खुद सोचते हो क्या लगता है, तू कूल बन रहा है, तुझे कूल लग रहा है तो कोई गाली दे रहा है, तो तू कूल नहीं लगता मेरी जान, मैं तुझे ये बात बता दूं, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्या करेगा गाली देके यार, मैं मेरे को पता है मेरे एक बार बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरे को या उनको जो गाली देते हैं, पर यहां पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस एक वार्निंग दूंगा, अगली बार अगर मुझे यहां पे गाली दिखी, और ये पहली बार बोल रहा हूं मैं हमेशा बबुआस तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं मानता हूं, मैं ये जानता हूं तुम छोटे हो मस्ती मारते हो, मैं तुम्हारी जगह था मैं सिर्फ मस्ती करता था पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं तेरा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम गाली दोगे कि किसी को भी दे रहे हो वहां पे, आप शायद अपने दोस्त को दे रहे हो जिसको भी दे, पर यहां पे गाली देने का कोई सेंस नहीं है, बहुत सारे बबुआस पढ़ते हैं सही नहीं लगता है, ठीक है ना, ठीक है, तो मैं बस एक वार्निंग दे रहा हूं, देख लो बाकी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, बाकी दो दोस्तों के साथ गाली खुलिया उड़ा उनकी मस्ती मार, हम भी देते हैं हम भी खाते हैं, ससुरा जितनी देते हैं उसे 10 गुना ज्यादा खा लेते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करता है, टीचर बन गए हैं, PW आ गए हैं, बताओ खुद का यूट्यूब चैनल चला लिया, आगे पता नहीं शायद बिजनेस बिजनेस करेंगे, ससुरा दोस्तों के साथ आज गाली देता है, पैसे वैसे भी ठीक ठाक कमा लिए हैं, अभी गाड़ी वाली खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जहाँ जाएंगे यूरोप यूरोप की ट्रिप करेंगे, ससुरा दोस्तों के पास आएंगे तो गाली देगा, तो इज्जत ही नहीं है वहां पर कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है, चलिए।